नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बकेट और न्यूज बकेट की टीम गांव पर चर्चा करते हुए पहुंच चुकी है रोहनिया विधानसभा के राम रायपुर गांव में। और आज हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी से कुछ जानेंगे कि आखिर इस गांव का विकास कहां तक हो पाया है और कितना अभी बाकी है। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बकेट में। प्रधान जी, एक बार अपना परिचय आप दें। मेरा नाम भाई राम, मेरी पत्नी प्रधान। आप प्रधान पति हैं। अच्छा प्रधान जी, ये बताएं कि इस गांव में अभी तक क्या स्थिति है, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या है मतलब जैसे आवास करके आवास भी समस्या है, रास्ता भी गड़बड़े हैं, हैंडपम्प का पानी के लिए करके भी समस्याएं हैं। दोनों गाँव प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं घर घर शौचालय, तो क्या इस गाँव में घर घर शौचालय है? शौचालय कुछ बना है, कुछ बाकी है, तो बनने के लिए देखा बनेगा। अच्छा, आवास की क्या स्थिति है आपके गांव में? सभी को क्या पात्रों को आवास मिला है? नहीं नहीं, पात्रों को आवास नहीं मिला है, बहुत पात्र बाकी है। तो क्या किस प्रकार की रणनीति है आपकी, 5 साल किस प्रकार से जनता की सेवा करेंगे आप? सेवा करेंगे भाई, अब जो क्लास आएगा उसको करना ही पड़ेगा। अच्छा, ज्यादातर गाँव में प्रधान जी सीवर की समस्या है, आपके गाँव की क्या स्थिति है? सीवर तो यहाँ भी बहुत ज्यादा समस्या है, सीवर पर काम करना होगा। सीवर काम करना। प्रधान जी, महामारी बीती, बहुत लोग इसके शिकार हुए, क्या स्थिति रही गांव की? यहाँ लमसम तो ठीक था स्थिति, ज्यादा दिक्कतें नहीं? नहीं दिक्कत। अच्छा, शासन प्रशासन से कोई मदद मिली क्या महामारी के दौरान? मदद क्या, कुछ दवा आई थी, एक बार आया था, जिसकी जरूरत था वो लिया, नहीं जरूरत था नहीं लिया। प्रधान जी, पंचायत चुनाव बीत चुके हैं, अब फिर से विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग गांव को मिलता है? कुछ आते जाते हैं कभी? नहीं आते जाते हैं भाई, उनको जरूरत पड़ता है तो हम जाते हैं, खुद वो लोग तो जल्दी नहीं आते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है? कोई गाँव में दिखाई नहीं पड़ता है, जब चुनाव नहीं रहता है तब चले आते हैं, उसके पहले तक यहाँ कुछ देखने तक नहीं आता है कि नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हैं, क्या है, यही सब समस्या है। तो प्रधान जी, इस परिस्थितियों में जब जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या लगता है कि कितना कठिन होगा गांव का विकास करना? वो तो है ही। तो प्रधान जी ने बताया कि फिलहाल जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहीं ना कहीं अभी अछूता है ये गाँव, लोग कम मदद कर रहे हैं, अब चुनाव आने वाला है, फिलहाल अब इनका जो आगे की रणनीति वो तो जनता तय करेगी। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ बकेट, हम आपको इसी प्रकार से गांव से जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहे। नमस्कार, मैं मिथिलेश पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। हमारी टीम इस वक्त रोहनिया विधानसभा के राम रायपुर में मौजूद है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने प्रधान जी से गांव की समस्याओं के बारे में चर्चा किया है, लेकिन अब गांव के स्थानीय लोगों से जमीनी हकीकत और सच्चाई के बारे में जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ बकेट। हमारा शांति नाम है। कौन से गाँव के? तुलाचक, राम रायपुर है। क्या परेशानी है गाँव में, क्या दिक्कत है? परेशानी का बा भैया, यह पानी सानी बहुत बाई, नारी ढप गई बाई, पानी का दिक्कत बाई, चपा काली बाई, पीने वाले पानी की दिक्कत है। हाँ। और लड़का बच्चों को क्या परेशानी है? लड़का बच्चन का यह परेशानी बा कि स्कूल में स्कूल बंद भल बा, काम धंधा जेकर करत रहे नौ का नाई काम धंधा लगत बा, काम में मंदी है। तो घर का खर्च चलने के लिए कोई सरकारी मदद नहीं मिला? सरकारी का मदद मिलत बा, यह जन राशन मिलत बा वो सही से नहीं मिलत बा, आधा सिक्की आधा माटी मिलत बा, वो सब मिलावट हो रही है। मिलावट, लाल कार्ड बा, लाल कार्ड बा, हमारे आदमी 4% का उनका पंड से टूटल बा, 5 खन शरीर टूटल बा, 40% मेडिकल भी बनल बा, तौने पर चीनी नीनी आवता वो नहीं के सरकारी आवास है आपके पास? एक बहुत दिना हो गल गिर गल। शौचालय की व्यवस्था? शौचालय बनल बात रहा सरकारी वो सबके, तो वह तबका का बनल। अच्छा अच्छा, आप बताइए आपको क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत कुछ ना, बस हमें घर को दिक्कत है, बस आवासी वदियम के आवास। आपका पक्का मकान नहीं है? नहीं, कच्चा है, मड़ैया। तो बारिश होती है तो क्या बड़ी दिक्कत होला, देखिए बारे रात भर पानी छपल जला। प्रधान जी से शिकायत नहीं की इसकी? प्रधान जी से शिकायत का, प्रधान जी वाले तो भर ले है अब इन दे दे तब ना। अच्छा, इनसे उम्मीद है कुछ, भरोसा है इन पर? भरोसा अब हमने पूरी से विरोध हो तो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। उन हमने का साहब, उन हमने का जमीन हड़प ले हम खुद, ये प्रधान जी। हाँ हाँ, वही पर। कितना जमीन हड़पे हैं? हमारे कितना कितना? अरे हमने का 2 जमीन बा, 2 बिस्सा जमीन बा हड़प लिए। हाँ, आज जमीन पर हमने बाही
तो फिर कैसे प्रधान बन गई? प्रधान हमने भी पाँच पाँच ससुर है हमने, तो पाँचों जने बस दुश्मनी है और सब सब उनका प्रधान भी हमने तो जाना था हमने के साथ। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर इसकी कहीं शिकायत पुलिस में नहीं की? बहुत बहुत पुलिस की भी सुनवाई, वहाँ से दे उठी भर बस ये पैसा देता है। हम लोग गरीब है, हमें पैसा ना। कौन बिरादर है आप लोग? हम लोग हरिजन है। तो वो भी तो हरिजन है? हाँ, तो हरिजन है ना। अच्छा, वो पैसा वाला ठीक है ठीक है ठीक। हमारा ग्राम सभा दूला चक्र। नाम क्या पड़ेगा आप? हमारा नाम खरपत्तू है, मेरे बाप का नाम स्वर्गीय शंकर है। क्या समस्या है आप? हमारी समस्या है कि जमीन मेरी पट्टा की पट्टे की थी मेरी माँ के नाम से। अब मेरे माँ के नाम से पट्टे की जमीन थी, सन 86 में पट्टा हुआ था, और जो कि पट्टा को नियस्त कर दिया SDM साहब ने, और वो कमिश्नर साहब ने भी उसको जमीन को खारिज कर दिया है। इसमें हाई कोर्ट का गया है दाखिल। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति उसी पर है, समस्या में। कौन आपको कब्जा करने से मना कर रहा है? कब्जा कर रहे हैं भाई राम प्रधान जी। ये प्रधान सन 2005 में ये प्रधान हुए थे, मेरी समस्या को इन्हीं ने खारिज करवाया। कहीं शिकायत की है? हाँ, बहुत शिकायत की है। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट में मेरी दाखिल। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम लोग राम रायपुर के गांव के लोगों से बातचीत कर रहे थे। यहां के प्रधान के जो दावे हैं वो जमीनी हकीकत पर झूठे नजर आ रहे हैं। गांव के लोग पीड़ित हैं और सीधे तौर पर प्रधान से जमीन हड़पने और कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। देखते रहिए न्यूज बकेट। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।